एम्स पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज नहीं करने पर सीएचओ की समस्याओं को लेकर सीएचओ कर्मचारी महोबा के सीएमओ कार्यालय पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। सभी सात माह से लंबित पीवीआई इंसेंटिव न मिलने से नाराज थे। इस दौरान उन्होंने सीएमओ पर महिला कर्मचारियों से अभद्रतापूर्ण व्यवहार से बात करने का आरोप लगाया। किस बात को लेकर आप लोग इकट्ठा हुए सीएमओ का? एएमएस पोर्टल के रिगार्डिंग और अपनी मतलब छुट्टी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। सीएमओ ऑफिस आए हैं, सर से हमने अपनी बात रखी, उन्होंने साफ साफ हमारी बात को इनकार कर दिया। हमारा पीबीआई मतलब एक साल से अभी तक नहीं आया और एएमएस पोर्टल के रिगार्डिंग ये बात है कि हमारी 9:30 से 5:30 बजे हम मतलब जाना पड़ता है और हमारी मतलब रात हो जाती है। सभी सीएचओ को आने जाने में प्रॉब्लम होती है, कुछ 35 किलोमीटर से 20 किलोमीटर से जाते हैं और शाम को मतलब मीटिंग रख देते हैं और हमें मतलब अपने लिए कोई भी टाइम नहीं मिल पाता, ना हमारी छुट्टी वीकली ऑफ भी नहीं है कोई, हमें ना टी ए डी ए दिया गया है और जीएच भी नहीं है, हमें मतलब हमारी कोई मांग है उन्होंने पूरी करने से मना कर दिया है। सर मेरा नाम मधु शर्मा है और मैं यहाँ पे सीएचओ हूँ, सापाड़ी में पोस्टेड हूँ कपड़े ब्लॉक में। और सर आज हम लोग कुछ अपनी मांगें लेके यहाँ पर आए थे, एक नया पोर्टल स्टार्ट हुआ है एएमएस अटेंडेंस पोर्टल, उसको लेकर। तो यहाँ पर हम जो आए थे वो हम अपने टाइमिंग को लेकर आए थे क्योंकि हमारा जो टाइमिंग दे रखा है उसमें 9:30 से 5:30 का दे रखा है। तो यहाँ पे ज़्यादातर महिला कर्मचारी हैं सभी जगह उत्तर प्रदेश में, तो सभी लोग अपना टाइम चेंज करवा रहे हैं। तो यही रिक्वेस्ट लेकर हम सर के पास आए तो सर ने पूरी तरीके से डिनाई कर दिया। और दूसरी चीज़, हमारा एक साल से जो पीबीआई आता है इंसेंटिव 15,000 रुपये पर मंथ, वो भी होल्ड कर रखा है, पिछला एक साल से होल्ड है। इसके अलावा सर तो हमें अपना पीबीआई चाहिए था। इसके अलावा सर हम गोल्डन कार्ड बनाते हैं, ये हमसे हमारे 15 पॉइंट जो भी हमारा कार्य है उससे ज़्यादा काम करवाते हैं और उसका कोई भी हमें मानदेय भुगतान नहीं होता है। उसके लिए जब हमने बोला तो उसके लिए बोले कि ऊपर से कोई पैसा नहीं आता है। सर हम अपने पैसे अपनी जेब से खर्च करके 20,000 की सैलरी में पेट्रोल डलवा के या ऑटो से कहीं बाहर नहीं मिलते, एक एक घंटे वेट करके हम लोग यहाँ से जाते हैं और वो काम करते हैं। और सर हमें इंटरनेट के लिए कोई भी सुविधा नहीं दी गई, हम अपना पूरा डाटा खर्च करके गोल्डन कार्ड बनाते हैं या जो भी ये कार्य देते हैं वो करते हैं। और इस और जहाँ पे हमारी ड्यूटी लगा रखी है वहाँ पर कोई लाइट या पानी किसी भी चीज़ की कोई व्यवस्था नहीं है। और सर इसके अलावा जब हम अपनी मांगें लेके गए तो सर ने मांगे पीबीआई के लिए उन्होंने बोला कि आपका पीबीआई आ जाएगा, जब हमने उनसे लिखित के लिए बोला तो लिखित के लिए उन्होंने मना कर दिया। जब हमने अपने लेटर पे इस लेटर पे हमने उनसे बोला कि आप इस पे साइन कर दीजिए, जो हमारी मांग का लेटर है, हमने बहुत रिक्वेस्टली बोला और सर बहुत वायलेंटली बिहेव करते हैं, अननेसेसरी मिसबिहेव करते हैं और ये चीज़ अच्छी नहीं है। यहाँ पर काफ़ी सारी फीमेल सीएचओ हैं जिनको उन्होंने गाली दी है, साधना को गाली दी थी उस दिन मीटिंग में, मेरे हम सारे सीएचओ थे। उसके अलावा सर अभी जूही जो मेरे साथ की कोलीग है उसको भी मतलब बहुत बदतमीजी से बात की, अननेसेसरी वायलेंट होकर सर बात करते हैं, ये चीज़ बिल्कुल ठीक नहीं है। सर अपना लहजा बदला। नहीं, मैंने तो इनसे बड़ा अच्छा बच्चों की तरह बच्चा मानते हुए इनसे व्यवहार किया है और इनका इशू ये है कि इनको जो 9:30 से 5:30 इनको पंच इन करना है, अपनी अटेंडेंस पंच करना है, जो 9:30 बजे इससे इनकी ड्यूटी शुरू होती है तो 5:30 बजे तक रहती है, पंच आउट करना है। तो ये लोग ये कह रहे हैं कि हम साहब इसमें कुछ प्रॉब्लम बता रहे हैं, तो वो तो दीगर नहीं है क्योंकि जो है इनका जो एग्रीमेंट है उसी में इन्होंने इसको स्वीकार किया है, 9:30 से 5:30 कार्य करेंगे और कोई ऐसा इशू नहीं है। कह रहे हैं अननेसेसरी मीटिंग ली जा रही है, हम लोग को बुलाया जा रहा है, मानदेय नहीं दिया जा रहा है, एक साथ नहीं कोई मीटिंग नहीं बुलाते हैं, अभी भी ये लोग बिना बताए इस तरीके से आए जो कि गलत है और बराबर इनकी सारी चीज़ें दी जा रही हैं, इनका आरोप गलत है। ओवर टाइम वगैरह की जो बताया, कोई ओवर टाइम 9:30 से 5:30 काम करेंगे तो ओवर टाइम की बात कहाँ से आ जाएगी, पूरे दिन इंसेंटिव कह रहे थे नहीं आया जी, इंसेंटिव है इंसेंटिव इनको पोर्टल पे अपलोड करना है, वही लोग नहीं कर पा रहे हैं, इनको कह दिया है मैंने कि पोर्टल पे अपलोड कर देंगे तो हो जाएगा।